जय हिंद, मैं राशि कपूर। INN टुडे में आप सभी का स्वागत है। बढ़ेंगे आज की टॉप 9 सुपरफास्ट खबरों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंचे। उन्होंने प्रयागराज वाराणसी 6 लेन हाईवे का लोकार्पण किया। 40 मिनट के भाषण में मोदी ने बनारस के दशहरी और लंगड़े आम से किसानों की बात शुरू की और कहते कहते अपनी बात को कृषि कानूनों तक ले गए। किसानों पर उन्होंने 26 मिनट बात की, कहा कि MSP और यूरिया के नाम पर छल करने वाले अब कृषि कानूनों पर झूठा डर दिखा रहे हैं, जो कभी होने वाला ही नहीं है, उसे लेकर भ्रम फैलाया जा रहा है। केंद्र के कृषि बिलों के खिलाफ किसानों के आंदोलन का सोमवार को पांचवा दिन रहा। दिल्ली की सीमाओं पर किसानों का प्रदर्शन जारी है। वह दिल्ली के 5 एंट्री पॉइंट्स को सील करने की तैयारी में है। किसानों के जमावड़े को देखते हुए पुलिस ने सिंघू और टिकरी बॉर्डर को आवाजाही के लिए बंद कर दिया है। दिल्ली में टेस्टिंग बढ़ाने के मकसद से राज्य सरकार ने लोगों को बड़ी राहत दी है। अब राजधानी के प्राइवेट लैब में 800 रुपये में ही कोरोना टेस्ट होंगे। अब तक इसके लिए 2400 रुपये देना पड़ता था। सोमवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इसका ऐलान किया और कहा कि इससे राज्य में ज़्यादा से ज़्यादा लोग टेस्ट करा पाएंगे। राज्य सरकार की ओर से तैयार लैब्स में पहले की तरह फ्री में ही टेस्ट होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिन में दूसरी बार कोरोना वैक्सीन बनाने वाली टीमों से बात की। मोदी ने सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जेनोवा बायोफार्मा, बायोलॉजिकल ई और डॉक्टर रेड्डीज की टीमों से चर्चा की। इन कंपनियों के वैक्सीन ट्रायल अलग अलग स्टेज में है। इनका डेटा और रिजल्ट अगले साल की शुरुआत में आने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री ने इन्हें सलाह दी कि आम लोगों को वैक्सीन के असर जैसी बातों के बारे में आसान शब्दों में समझाने के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट करें। इस चर्चा में वैक्सीन की डिलीवरी के लिए लॉजिस्टिक, ट्रांसपोर्ट, कोल्ड चेन के मुद्दों पर भी बात हुई। उत्तर प्रदेश के कानपुर में 13 वर्षीय लड़की के साथ गैंगरेप किया गया। लड़की को उसके भाई के दोस्त ने फोन करके कॉफी शॉप पर बुलाया था। वहां से वह लड़की को अपने फ्लैट पर ले गया। यहां लड़की को शराब पिलाई और उसके बाद दोस्तों के साथ मिलकर गैंगरेप किया। घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। किसी तरह लड़की अपने घर पहुंची और परिजनों को मामले की जानकारी दी। इस मामले में पुलिस ने लड़की का मेडिकल कराने के बाद 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई के लोगों को कोरोना वायरस के खतरे से आगाह करने के लिए BMC निःशुल्क मास्क वितरित करेगी। दूसरी ओर नगर निगम मास्क पहनने के नियम का पालन नहीं करने वाले से 200 रुपये का जुर्माना भी वसूलेगी। BMC ने सार्वजनिक स्थानों पर मास्क नहीं पहनने के कारण अप्रैल से लेकर 28 नवंबर तक 4.5 लाख लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर 10 करोड़ रुपये का जुर्माना वसूला। कुष्ठ रोगियों के लिए अंधवन संस्था चलाने वाले डॉक्टर बाबा आमटे की पोती डॉक्टर शीतल आमटे ने सोमवार तड़के चंद्रपुर में अपने घर में आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है कि शीतल ने जहर का इंजेक्शन लगाकर जान दे दी। कुछ दिन पहले उन्होंने आमटे महारोगी सेवा समिति में घोटाले की बात कही थी। भारत ने पहली बार शंघाई सहयोग संगठन SCO के सदस्य देशों के प्रमुखों की 19वीं बैठक की मेजबानी की। वर्चुअल माध्यम से हो रही इस बैठक की अध्यक्षता उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने की। इस दौरान उन्होंने कहा कि 2025 तक भारत की GDP 5 ट्रिलियन तक पहुंचने की उम्मीद है। भारत 29 वर्ष की औसत आयु वाला सबसे युवा राष्ट्र होगा। हरियाणा के सिरसा जिले में 22 साल युवती के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पीड़िता ने महिला थाना में शिकायत दी। इसके आधार पर 4 युवकों के खिलाफ दुष्कर्म, मारपीट व जान से मारने की धमकी देने का मामला दर्ज किया गया है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जय हिंद। फॉर मोर डिटेल्स प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट्स।